हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर डिलीशियस और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली मिंट राइस की रेसिपी, वो भी बचे हुए चावल से, जिसे आप ब्रेकफास्ट या लंच में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडी करेंगे हमारा पुदीना का मिक्सचर। एक मिक्सर जार ले लें, उसमें डालें आधा कप के लगभग फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ, 10 से 12 फ्रेश हरी धनिया की पत्तियाँ, एक हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का और एक बड़ी चम्मच के लगभग पानी। अब इन सभी चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लेना है हमको। अब पैन में गरम करें एक बड़ी चम्मच के लगभग घी। ऐड करें इसमें आधा छोटी चम्मच के लगभग राई के दाने। आधा बड़ी चम्मच चना दाल डाल दें और एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्लाइस्ड अनियन और इसे गोल्डन होने तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब इस डिश को थोड़ा और रिच बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 काजू। पका लें इन्हें भी एक मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा पुदीना का मिक्सचर। नमक और आधा छोटी चम्मच के लगभग नींबू का रस। मिला दें सभी चीज़ों को अच्छे से और मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसे अच्छे से कुक होने दें। मिक्सचर हमारा एकदम रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप के लगभग हमारे पके हुए चावल, 2 बड़ी चम्मच के लगभग फ्रेशली ग्रेटेड नारियल। मिला दें भी अच्छे से और चलाते हुए लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर कुक करें। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये मिंट राइस की रेसिपी एकदम तैयार है खाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। पेयर करें इस मिंट राइस को रायता या पापड़ के साथ और इंजॉय करें। होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।